नमस्कार दोस्तों, मैं तारत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल YT Birds पे। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी पेट शॉप को कवर करने, जो कि जूचोदा पेट गैलरी है। मेरे चैनल पे दोस्तों वीडियो आया करती हैं बेस्ट पेट शॉप्स इन लखनऊ, बेस्ट पेट शॉप्स इन दिस एरिया एंड दिस एरिया। तो दोस्तों आज मैं जो कि कवर करने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पेट शॉप है, और उनके पास सबसे उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूँ सबसे अच्छा स्टॉक रहता है एग्जॉटिक बर्ड्स का। चलते दोस्तों बिना किसी देरी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो नीचे जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम शॉप में घुस चुके हैं, तो यहाँ पे शॉप ओनर बैठे हैं डार भाई। हेलो भाई। तो भैया के पास बहुत सारे इस समय टेम बर्ड्स भी हैं। भैया हमारे व्यूवर्स को अपनी पूरी शॉप का टूर दे दीजिए, और जो जो आपके पास सेल के लिए वो बोल दीजिएगा। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आप एक बार अपना नंबर बोल दीजिए वीडियो के स्टार्टिंग में। मेरा नंबर है 7421823333। ठीक है, ये भैया की पूरी शॉप है, अभी हम लोग टूर लेंगे। ठीक है भैया, हमको टूर देंगे जो जो इनके पास बर्ड्स हैं, और बर्ड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी हम पूरा आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। अच्छा डावर भाई, एक अपनी जरा शॉप का टूर दे दीजिए। बहुत बड़ा बर्ड का स्टॉक है, जरा सबके हमको रेट बता दें, और कौन सा बर्ड है, क्या है म्यूटेशन, आप जरा सबको बताइए। ये ब्लू फ्रंटेड अमेजोन है। अच्छा, ये बहुत ही बॉन्डेड पेयर है, बहुत ही अच्छा पेयर है, और अगर कोई भाई ब्रीड कराना चाहता है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड है और रेडी टू ब्रीड है। अच्छा, क्लोज बैंड है, सेमी टेम्ड है, और अगर ब्रीडिंग कोई कराना चाहे तो इमीडिएट ब्रीड कर जाएंगे। ओके, पूरे चांसेस हैं इसके ब्रीड करने। एक बार मैं दोस्तों आपके संग पेयर का लुक शेयर करूँगा, आप देख सकते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़े हम। यहाँ पे एक टीम अफ्रीकन ग्रे भी है जो कि टॉकिंग भी करता है। हेलो हेलो हेलो, हे हेलो, गुड मॉर्निंग। इसका नाम सुल्तान है। अच्छा, बहुत प्यारा लुक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक ब्लैक हेडेड काइट है। ये फीमेल जल्दी नहीं मिलती है, लोगों के पास बहुत शॉर्टेज रहती है। फुल्ली टेम्ड है ये, देखिए आप देख सकते हो, ये फुल्ली टेम्ड है, ये देखिए। हाँ, ये तो बिल्कुल फुल्ली टेम है। ये फुल्ली टेम है, डीएनए के साथ फीमेल है ये। ओके, यहाँ पे एक गाला काकाटुआ का भी पेयर है। ये गाला काकाटुआ, हाँ हाँ, गाला काकाटुआ है, ये फुल्ली अडल्ट पेयर है, बॉन्डेड पेयर है। अच्छा, ओके, ये भी ब्रीडर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं एक बार आपको पेयर का लुक दिखाता हूँ। हमारे पास दो पेयर बचे हैं, फाइव पेयर थे। अच्छा, अभी सिर्फ दो पेयर बचे हैं, एक ये और एक उधर भी, आप दूसरा पेयर भी दिखा सकते हैं। हाँ, एक पेयर गाइस ये आप देख सकते हो, बहुत हेल्दी पेयर है। अच्छा, ये सब बॉन्डेड पेयर हैं भाई। हाँ, सब बॉन्डेड पेयर। ठीक है, यहाँ पे एक दोस्तों ग्रीन विंग मकाओ भी है, पेयर है। ये रेडी टू ब्रीड पेयर है, ये बिल्कुल रेडी टू ब्रीड है, और आप इसकी आईज देखिए, आप आईज देख के मान चल जाएगा आपको। हाँ, आई में रिंग आ चुका है दोस्तों। इसका क्या प्राइस है भाई? ये 6 लाख का, 6 लाख का पेयर है। ये देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे टीम बर्ड्स हैं जिनमें सन कॉर्नियर ज्यादा दिख रहे हैं हमको। ये पूरा सेक्शन टीम बर्ड का है। अच्छा, ये टेम बर्ड का सेक्शन है, यहाँ पे हम लोग टेम करके चिड़िया यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद आप जब आइए तो आप चिड़ियों के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, उड़ने का भी डर नहीं रहता उनके, और यहाँ पे बिल्कुल सेफ है सारी चीजें। और यहाँ पे काकातुआ भी है, हम टेम करके छोड़ देते हैं। ओके, अच्छा क्या प्राइस है सन कॉर्नियर का जो फुल्ली टेम है? सन कॉर्नियर का पेयर का प्राइस है, वो डिपेंड करता है कि ये इनका जो प्राइसिंग होती है वो नेस्ट आउट जो बर्ड होती है
उसका रेट अलग होता है, फिर सेमी एडल्ट का अलग होता है, एडल्ट का अलग होता है। हाँ, ये मान के चलिए 25 to 35 or 40 तक जाता है। अच्छा, फुल्ली टेम सनकॉर्न। फुल्ली टेम सनकॉर्न। ये देखिए दोस्तों, भैया के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी भी है और यहाँ पे फ्लाइंग भी करते रहते हैं ये सब। तो दोस्तों यहाँ पे एक ब्लू गोल्ड मकाओ का है, ये मेल है भाई फीमेल है? ये मेल है। मेल है, ओके। टेम है या वाइल्ड है? ये सेमी टेम है। अच्छा, सेमी टेम है। ये देख सकते हैं दोस्तों, क्या प्राइस वगैरह रहेगा इसका? ये 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का है। और इसकी एज क्या होगी? ये फुल्ली अडल्ट है, लगभग इसकी एज है 7 इयर्स का। 7 इयर्स का। ये देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये फुल्ली टेम वाइट बेलीड काइट है। ये देखिए वाइट बेलीड काइट है ये। ये देखिए फुल टेम बर्ड है, वाइट बेली काइट है, ये भी बहुत रेयर है। अच्छा, और फीमेल है ये भी बहुत। ओके, इसका क्या प्राइसिंग वगैरह रहेगी? ये 1 लाख की है। 1 लाख। तो यहाँ पे एक ब्लू फ्रंटेड अमेजोन का पेयर है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये भैया ब्रीडिंग पेयर है? ये ब्रीडिंग पेयर है। ठीक है, क्या एज होगा इसका? इसका 7 इयर्स के अराउंड। हाँ, क्लोज बैंड आप देख सकते हैं। और क्या प्राइसिंग रहेगी इसकी? ये 190 का। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, बर्ड की क्वालिटी भी देख सकते हो आप। सुपर क्वालिटी के बर्ड हैं और रेडी टू ब्रीड है। कोई भी ब्रीडर लेना चाहे और अपने सेटअप पे इनकी ब्रीड लेना चाहे तो ये उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। ये देखिए बोलिए, ब्लू येलो साइड का पेयर है। अच्छा, ये ब्रीडिंग पेयर डब के है, ये सारे पेयर ब्रीडिंग है। अच्छा, डायमंड हो गया। अच्छा, ये क्रिम्सन बेलीड का है। सेमी एडल्ट है और ये सेमी एडल्ट भी है और सेमी टेम भी है। ये भी बहुत अच्छा पेयर है। अल्बिनो कॉकटेल। यहाँ पे गोल्डन पीजेंट भी दिख रही है। अच्छा, गोल्डन पीजेंट का क्या प्राइस है भाई? ये 25,000 का। 25,000 का पेयर है। और दोस्तों यहाँ पे अंदर भी बर्ड्स हैं जो कि लव बर्ड्स हैं, जिनमें वॉयलेट फिशर भी हो गए, पारब्लू हो गए, ग्रीन फिशर्स हो गए, सेवल हो गए, मऊ हो गए। ये तो है रेड मोलक्कन लॉरी। ये कौन सी लॉरी है भैया? रेड मोलक्कन लॉरी। रेड मोलक्कन लॉरी आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों वाइट जावा है, ब्लैक जावा है, यहाँ पे दोस्तों फॉन और सिल्वर जावा है। अच्छा, जावा का क्या रेट है? जावा का रेंज है बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। अभी 1500 की जावा वाइट वाली है। यहाँ पे दोस्तों एक अल्बाइनो लव बर्ड है और नीचे दोस्तों कुछ फिंचेस हैं। यहाँ पे भी मोलक्कन लॉरी है, यहाँ पे ब्लू सीरीज कॉर्नियोर है और यहाँ पे पैचलेस पल कॉकटील है। यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं बर्ड्स हैं। यहाँ पे भी दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे भी दोस्तों कॉर्नियोर्स हैं, ऊपर भी कॉर्नियोर्स हैं, नीचे भी दोस्तों। और ये देखिए अडल्ट सन कॉर्नियोर। मैं कवर करने आया हूँ, ये मिक्स सीड्स का है और यहाँ पे बर्ड्स के बाउल वगैरह हैं। आप देख सकते हैं ये स्टेनलेस स्टील के बाउल्स हैं। अभी मैं आपको टोटल दिखाता हूँ क्या है, कितना है। चलते हैं दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों मिक्स सीड्स हैं जिसमें लव बर्ड मिक्स है, सनफ्लावर्स हैं, कैनेरी सीड्स है, कॉर्नियोर्स का है, कुसुम दाने के पैकेट्स हैं, बजीज मिक्स हैं, बड़े वाले सनफ्लावर हैं। आप देख सकते हो ये सीड मिक्स के भी हैं और ये स्टेनलेस बाउल है। ये कैलीग्रीट है और नेस्टिंग मटेरियल भी है भैया के पास और ये कटल फिश बोन भी अवेलेबल है। मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे सप्लीमेंट्स हैं कुछ, वर्सेलेगा का A19 है, वर्सेलेगा का न्यूट्रीवेड लॉरी है, ठीक है। और ये कुछ मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम है दोस्तों। यहाँ पे ब्रीडिंग बॉक्स भी रखे हैं, ये लववर्ड का ब्रीडिंग बॉक्स है दोस्तों, आप देख सकते हो। सॉरी, ये लववर्ड का नहीं, ये कॉकटेल का ब्रीडिंग बॉक्स है, मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। लववर्ड का जस्ट नीचे रखा है, आप देख सकते हो। इसमें सर्विस वो भी है, आप बर्ड मतलब क्या रिजल्ट है इससे देख सकते हो। यहाँ पे गेट भी दिया हुआ है और बॉक्स की क्वालिटी भी दोस्तों बहुत हार्ड है, स्टील की ग्रिड लगी है कि बर्ड आपका काट ना पाए दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ूँगा तो यहाँ पे भी दोस्तों सप्लीमेंट्स रखे हैं, टॉयज़ रखे हैं और इस तरफ केज के यूटेंसिल्स, प्लास्टिक यूटेंसिल्स रखे हैं।
जो बर्ड्स को खाना खाने में इजली हेल्प करते हैं। यहाँ पे दोस्तों फूड डिस्पेंसर भी रखा है जिससे ज़ीरो वेस्टेज होती है, और ये वर्जिन प्लास्टिक का ही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों वाटर के लिए फीडर है और बर्ड के लिए प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि वो केज में नुकसान ना करे ज़्यादा से ज़्यादा। ये था दोस्तों, और ये पूरी शॉप थी, अभी हमने टूर करी है। यहाँ पे दोस्तों बर्ड्स के केजेस भी हैं जो कि टेम बर्ड्स के रहते हैं, फैंसी केजेस रहते हैं जिनको आप अपने घर पे भी रख सकते हो, बहुत मोटे जालियों में ये केजेस हैं। यहाँ पे भी दोस्तों देख लीजिए केजेस हैं, ये कि अच्छे बर्ड्स के केजेस हैं जो कि टेम बर्ड्स होते हैं, इनमें आप रख सकते हैं। ये देखें, इसका एक लॉक है, ये गेट खुल जाता है, यहाँ से आप अपना बर्ड ईजली अंदर या बाहर भी कर सकते हैं। दोस्तों इसको भी हम बंद कर देते हैं। दोस्तों इसी के ऊपर एक ट्रे भी और पर्स भी है, अगर आपका अपना टेम बर्ड है उसको आपने निकाला, ऊपर कुछ सीड मिक्स वगैरह दे दिया, वो खा भी सकता है। ये केज एक बहुत अच्छी डील है जिसके पास अगर सिंगल पीस अफ्रीकन ग्रे या कोई भी काकाटुआ हो तो वो इसमें रख सकता है। दोस्तों यहाँ पे भी एक केज है जो कि टेम मकाउस के लिए बहुत बेस्ट है, आप देख सकते हैं, जिसमें ब्लू फ्रंटेड अमेजॉन रखा हुआ है इस समय भैया ने। और यहाँ पे दोस्तों चाइनीज़ केजेस की वेरिएशन है, आप देख सकते हैं, ये 2.5 फीट का चाइनीज़ केज है, ये देख लीजिए कलर्स में अवेलेबल हैं और बहुत हैवी क्वालिटी में ये केजेस हैं। इसमें बाउल मिलता है और एक पर्च मिलती है, और यहाँ पे कुछ एक्वेरियम प्रोडक्ट्स रखे हैं जो मोटर्स वगैरह हो गए, और जो ब्रीडिंग के लिए मटकियाँ लगती हैं बर्ड्स में, यहाँ पे वो भी रखी हुई हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे गोल्डियन फिंच हैं, स्टार फिंच हैं और बंगाली फिंच हैं, ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी की फिंचेस हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ कैट की भी वैरायटीज़ हैं जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी में बच्चे हैं कैट्स के, और ये देख सकते हैं। अच्छा कौन कौन से हैं ये ब्रीड? ये सारी पर्शियंस हैं। अच्छा, और इसमें आइज़ का बहुत डिफरेंस रहता है, तो एक बहुत ही रेयर है, बहुत ही मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। आप देखिए इसकी एक आई ब्लू है और एक आई ग्रे, जी ऑड आइज़ बोलते हैं। अच्छा, तो ये बहुत ही क्यूट लगती है और बहुत रेयर। इसके अलावा एक चीज़ ये पूरा ब्लू आइज में भी है। अच्छा ब्लू आइज है, हाँ इसके, ये देखें ये ब्लू आइज है, बाकी हनी आइज में है, इसके टीका कुदरत ने लगा रखा है नज़र ना लगे। अच्छा आई वाज जस्ट किडिंग। ठीक है, यहाँ पे और एक ये भी है दोस्तों, और ये एक वो है ग्रे कलर में, ग्रे और ब्राउन कलर, ये देखें। अच्छा डॉक्टर भाई, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई भी अंदर हमारे लखनऊ से नहीं है, बाहर से, और आपके यहाँ से कुछ चाहता है तो वो कैसे आपसे वो चीज़ मंगवा पाएगा? ये मैक्सिमम जगह तो हम लोग डिलीवर करते हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमेशा वैरी करती रहती हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर जगह डिलीवर हो जाएगा, लेकिन मोस्टली जगह हो जाता है, और डिपेंड करता है क्या चीज़ ले रहे हैं, कितनी हार्डी चीज़ है कि नहीं है, है ना, तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वो जिस टाइम पे जहाँ पे चाहिए होगा वो डिलीवरी मोस्टली जगह हो जाती है। ठीक है, तो अभी इंडिया में तो हो ही जाती है, नॉर्थ इंडिया टोटल कर रहे हैं, साउथ में प्रॉब्लम आती है वहाँ पे भी करा देंगे, लेकिन डिपेंड करता है क्या चीज़ ले रहे हैं, कितनी हार्डी है, वो कैसे जाएगी। अच्छा, और जो बर्ड सप्लीमेंट्स हैं, सप्लाईज हैं, फूड है, ये ऑलमोस्ट चला जाएगा हर जगह? ये सारी, ये जो जो लाइव स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो सभी ड्राई आइटम है और सप्लीमेंट्स वगैरह है, ये सब तो कहीं भी चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने भैया के शॉप विजिट करी, यहाँ पे बहुत कुछ है दोस्तों, आपने देखा होगा,